जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्जाम टॉपर्स में। आज हम यहां पर इतिहास की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं और आज दूसरी क्लास का हमारा सब्जेक्ट अर्थात विषय है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता एक ही सभ्यता के नाम हैं। सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जितने भी प्रारंभिक स्थल थे या इस सभ्यता का जो केंद्र था वो सिंधु तथा उसके आसपास जितनी भी उसकी सहायक नदियां थी उसके आसपास ही केंद्रित था। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला ज्ञात स्रोत अर्थात पहला ज्ञात स्थल जो अगर कोई था तो वह हड़प्पा था। इसी सभ्यता का जो पहला स्थल हड़प्पा ज्ञात हो जाने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। और कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए पड़ता है क्योंकि इस सभ्यता में यहाँ पर तांबे के अंदर टीन को मिलाकर कांसे का प्रयोग किया जाता था। तांबा प्लस टीन को मिलाकर यहाँ पर कांसे का प्रयोग किया जाता था। इसी कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। अब सिंधु सभ्यता का देखा जाए कालक्रम 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच देखा जाता है, परंतु आज वर्तमान नए साक्ष्यों के आधार पर कार्बन 14 के अनुसार इसकी सर्वाधिक मान्य तिथि है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक मान्य काल माना जाता है। अब सिंधु सभ्यता का पता कैसे लगा? सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। सिर्फ 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। फिर इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कब आता है? जब 1856 में लाहौर से कराची के बीच में रेलवे पटरी बिछाने का कार्य चलता है, तब जॉन बटन और विलियम बटन नाम के दो अंग्रेज ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक टीले का पता लगाया था। कब लगाया था? 1856 में। किन्ने? जॉन बटन और विलियम बटन ने क्या पता लगाया था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। और यहीं पर देखा जाए फिर 1921 में दयाराम साहिनी और माधव स्वरूप वत्स नाम के व्यक्ति ने हड़प्पा टीले की खुदाई की, और वह कब की? 1921 में। जब यह खुदाई होती है 1921 में, उसके पश्चात ही इस सभ्यता का नाम क्या पड़ता है? हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। फिर धीरे धीरे 1922 में राखलदास बेनर्जी नाम के व्यक्ति ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य प्रारंभ कराते हैं, और धीरे धीरे इसका विस्तार देखा जाए सिंधु नदी से बढ़कर आपके नर्मदा ताप्ती के मुहाने तक हमें देखने को मिलता है। आज वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण इसका कुल विस्तार था 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब इसका विस्तार था कुल 1600 किलोमीटर। ओके, सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना था? 1400 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब इसका विस्तार कितना था? 1600 किलोमीटर। इसका उत्तरी बिंदु था मांडा। क्या था? मांडा, जो कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और मांडा की आज की तारीख में तुलना की जाए किसी जिले से जम्मू कश्मीर के, तो वो जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला था। कौन सा जिला था? जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला। अब सिंधु सभ्यता के दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो वो था देमाबाद। क्या था? देमाबाद। और यह वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर से संबंधित रखता है। इसका जो पूर्वी बिंदु था वह था आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर। और यह देखा जाए आज के उत्तर प्रदेश का मेरठ से संबंधित है और इसका जो पश्चिमी बिंदु था वह था सुतका गेंडोर। और यह देखा जाए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता था। इसी देखा जाए चारों बिंदु के अंदर सिंधु सभ्यता का हमें विकास देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था वह पाकिस्तान का पंजाब तथा सिंध प्रांत तथा सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास देखने को मिलता था। बाद में धीरे धीरे इसका विस्तार हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में भी देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल अगर कहीं प्राप्त हुए हैं तो वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात में। और गुजरात कहाँ पड़ता है? तो भारत में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक ज्ञात स्थल अगर किसी राज्य में है तो वो गुजरात में है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा का सबसे पहले उल्लेख मैंने अभी हाल ही में आपको बताया है, 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति ने किया था। 1856 में देखा जाए जॉन बटन और विलियम बटन नाम के व्यक्ति ने जब रेलवे पटरी बिछाने का कार्य करा कराची से लाहौर के बीच, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक टीले का उन्होंने देखा जाए पता लगाया था। 1921 में दयाराम साहिनी नाम के व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाते हैं। अब हड़प्पा क्यों प्रसिद्ध होता है? हड़प्पा देखा जाए वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मॉन्टगोमरी जिले से संबंधित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में स्थित है और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में देखा जाए दो प्रकार के हमें दुर्ग देखने को मिलते थे। एक देखने को मिलता था पूर्व में और एक देखने को मिलता था पश्चिम में। पूर्व के टीले को देखा जाए दुर्ग को हम नगर दुर्ग कहते थे तथा पश्चिम के दुर्ग को हम देखा जाए बड़ा किले के आधार पर मान सकते हैं। यहाँ पर एक R37 नाम का हमें कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। किस नाम का? R37 नाम का एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर जो देखा जाए उसकी कब्र जो बनी होती थी, ताबूत जो बना होता था वो देवदारू लकड़ी का बना होता था। इसी हड़प्पा में हमें दो पंक्ति में छे छे अन्नागार अर्थात कोठार हमें प्राप्त हुए हैं। कितने? देखा जाए दो पंक्ति में छे छे अन्नागार हमें प्राप्त हुए हैं और इनकी प्रत्येक का इनका अगर हम देखा जाए इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी तो इनकी देखा जाए 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा यह एक अन्नागार हमें देखने को मिलता है। इसी हड़प्पा में हमें सर्वाधिक पुरुष की मूर्तियां देखने को मिलती है नारी की मूर्ति की अपेक्षा। सर्वाधिक यहां पर किसकी मूर्ति देखने को मिलती है? हमें पुरुष की मूर्तियां देखने को मिलती है। अब मैं हड़प्पा के वापस आपको रिवाइज करा देता हूं। हड़प्पा क्यों प्रसिद्ध है? हड़प्पा में हमें सर्वाधिक किसकी प्रतिमा देखने को मिलती है? पुरुष की प्रतिमा। किसकी अपेक्षा? नारी की अपेक्षा। हड़प्पा में ही हमें R37 नाम का एक कब्रिस्तान देखने को मिलता है। हड़प्पा में ही हमें दो पंक्ति में छे छे अन्नागार जिसे कोठार या वेयर हाउस कहते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ था और इसका वर्तमान में संबंध पाकिस्तान के देखा जाए मॉन्टगोमरी जिले से संबंध यह रखता है। और ये कौन से प्रांत में था पाकिस्तान के? तो पंजाब प्रांत में। अगला आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 में राखलदास बेनर्जी नाम के व्यक्ति करते हैं और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर दिखाई देता है। ओके, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो में हमें देखा जाए सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत देखने को मिलती है। और सार्वजनिक इमारत का नाम क्या था? स्नानागार, स्नानागार या स्नानागृह। यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत थी।
देखा जाए इस स्नानागृह की जो लंबाई चौड़ाई और इसकी गहराई कितनी थी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इस स्नानागृह की जो लंबाई थी वह 11.88 मीटर यह लंबा था, 7.01 मीटर यह चौड़ा था, 2.43 मीटर यह गहरा था। यह स्नानागार हमें कहाँ देखने को मिला है? मोहन जोदड़ो में हमें देखने को मिला है। अब देखा जाए इस स्नानागृह में उत्तर और दक्षिण से हमें स्नानागृह की तली तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ भी देखने को मिलती है। इस स्नानागृह की जो नीचे तलियाँ होती थी वो प्रायः पक्की ईंटों की बनी होती थी ताकि आप व्यक्ति के पांव ना फिसल सके। इसी स्नानागृह के पास हमें कुछ कमरे दिखाई देते हैं। इससे इतिहासकार यह पता लगाते हैं कि प्रायः वह कमरे कपड़े बदलने के रूप में प्रयोग आते थे, कपड़े बदलने में इस्तेमाल किए जाते थे। उन्हीं कमरे के पास हमें प्रायः एक कुआं दिखाई देता है। इसे इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि उस कुएं से पानी निकालकर इस स्नानागृह में डाला जाता था ताकि इसका प्रयोग सार्वजनिक पर्व पे स्नान के रूप में प्रयोग होता था। अब देखा जाए सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हमें देखने को मिलती है जिसको अपन बोलते हैं कोठार, जिसे अपन अन्नागार भी कहते हैं। यह भी हमें कहाँ देखने को मिली है? मोहन जोदड़ो में। और इस कोठार की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी तो 45.71 मीटर तो यह लंबा था और 15.23 मीटर यह चौड़ा था। यह हमें सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? कोठार थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत कौन थी? तो स्नानागृह थी। यह हमें सब देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें सिंधु सभ्यता में क्रांसे की नृत्य की प्राप्त हुई है जिसको अपन नटराज कहते हैं। अगला स्थल आता है सिंधु सभ्यता का जिसको अपन कहते हैं कालीबंगन। कालीबंगन का संबंध आज वर्तमान के राजस्थान के गंगानगर जिले से संबंध रखता है। क्या नाम है? कालीबंगन। कालीबंगन का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो गंगानगर जिले से है। इसका उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो 1953 में ए घोष नाम के इतिहासकार ने किया था। इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? ए घोष नाम के इतिहासकार ने किया था। कालीबंगन में हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। काय का प्राप्त होता है? जूते हुए खेत का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अलावा हमें आयताकार अग्निवेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए। आयताकार अग्निवेदी का मतलब होता है हवन कुंड टाइप, हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसी के अलावा इसी कालीबंगन में हमें दो फसल एक साथ बोने के साक्ष्य भी मिलते हैं। जब कोई एक फसल बोई जाती है तो जब उसी फसल में नाली करके जब दूसरा उसी फसल का बीज दूसरी नाली में बोया जाता है तो उन दोनों के बीच में गैप होती है, उस गैप में एक दूसरी फसल बो दी जाती थी। अर्थात एक साथ दो फसल बोने के हमें साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगन में मिले हैं। इसी कालीबंगन को हम काले रंग की चूड़ियाँ के नाम से भी जानते हैं। इसका निकनेम क्या है? कालीबंगन का। अब वापिस बता रहा हूँ, कालीबंगन का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1953 में। किसने करा? हे घोष ने। ये क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि यहाँ पर जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, दो फसल के एक साथ बोने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और आयताकार हमें वेदी अर्थात हवन कुंड के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब अगला स्थल आता है जिसको अपन कहते हैं लोथल। लोथल का संबंध आज वर्तमान के गुजरात से है। लोथल का संबंध आज वर्तमान के कहाँ से है? गुजरात से है। और यह अहमदाबाद के सरागवाला जिले से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसका उत्खनन कार्य कब हुआ? तो इसका उत्खनन कार्य 1957 में SR राव ने किया था। किसने करा था? SR राव ने किया था। इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया था। और आज वर्तमान समय में
इसी लोथल में भारत का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय बन रहा है। अभी हाल ही का मैं आपको करंट न्यूज़ बता रहा हूँ, इसी लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय बन रहा है, क्योंकि यह सिंधु सभ्यता का एक समुद्र तटीय नगर था, अर्थात यह बंदरगाह के रूप में प्रयोग आता था उस समय में। और यह क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें देखा जाए चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी लोथल में हमें काय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें घोड़े की मूर्ति, वो भी टेराकोटा की। टेराकोटा का मतलब होता है आग से पकी हुई मिट्टी को हम टेराकोटा कहते थे। और इसी टेराकोटा की घोड़े की प्रतिमा हमें कहाँ मिली है, तो लोथल में मिली है। यहीं पर हमें हाथी दांत का पैमाना, युग्म सवाधान। युग्म सवाधान का मतलब होता है पति और पत्नी के एक साथ दफन करने की प्रक्रिया को युग्म सवाधान भी कहते थे। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। वापिस आपको रिवाइज करा रहा हूँ, लोथल का संबंध आज वर्तमान के गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सी नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। इसका उत्खनन कार्य 1957 में एसआर राव ने किया था। आज वर्तमान में आधुनिक सरकार, वर्तमान सरकार ने इसी लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। सिंधु सभ्यता का यह देखा जाए एक प्रकार से बंदरगाह था, क्योंकि यह समुद्र तटीय नगर था। यहीं पर हमें सबसे पहले चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है। साथ ही हमें यहाँ पर टेराकोटे की घोड़े की प्रतिमा देखने को मिलती है, हाथी दांत का पैमाना देखने को मिलता है, युग्म सवाधान देखने को मिलता है। साथ ही हमें यहाँ से नाव के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला स्थल आता है चहुदड़ो। चहुदड़ो का संबंध वर्तमान में देखा जाए पाकिस्तान के सिंध जिले के लरकाना जिले के पास में है। सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, उसमें लरकाना जिला है, उसके पास से इसका संबंध रखता है। और मोहनजोदड़ो से इसकी दूरी 130 किलोमीटर थी। कितनी दूरी थी इसकी, 130 किलोमीटर थी। इसका उत्खनन कार्य 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था। किसने किया था, गोपाल मजूमदार ने किया था, गोपाल मजूमदार ने किया था इसका उत्खनन कार्य। चहुदड़ो में हमें देखा जाए मनके, सीप, हड्डी आदि से देखा जाए आभूषण बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। चहुदड़ो से हमें क्या 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 प्राप्त होते हैं, मनके, सीप, हाथी दांत आदि से आभूषण बनाने के हमें कारखाने प्राप्त होते हैं। और यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर हमें दुर्ग का अभाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, दुर्ग का अभाव देखने को मिलता है। साथ इसी चहुदड़ो में हमें कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्या, इसी चहुदड़ो में हमें कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला स्थल आता है जिसको अपन कहते हैं बनावली। क्या कहते हैं, बनावली। बनावली का संबंध आज वर्तमान के हरियाणा के हिसार जिले से है। बनावली, बनावली का संबंध कहाँ से है, आज वर्तमान के हरियाणा के हिसार जिले से है। इसकी खोज देखा जाए, इसका उत्खनन किसने करा था, तो 1974 में आर एस विष्ट ने किया था। आर एस विष्ट ने इसकी देखा जाए क्या किया था, उत्खनन कार्य किया था। बनावली प्रसिद्ध क्यों होता है, बनावली में देखा जाए हमें सड़क पर बैलगाड़ियों के पहिए के निशान प्राप्त हुए। कहाँ पर, बनावली में। और ये बैलगाड़ी के पहियों के जो निशान प्राप्त हुए हैं, उस बैलगाड़ी के दोनों पहियों के बीच की दूरी उतनी है जितनी आज की बैलगाड़ी के पहियों की रहती है। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे स्थल है। रंगपुर देखा जाए 1953 में माधव स्वरूप वत्स ने उसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था। और यहीं पर हमें सबसे पहले देखा जाए चावल की भूसी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, चावल की भूसी।
कहाँ पर? रंगपुर में। और इसका उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो 1953 में। किसने करा था? माधव स्वरूप वत्स ने। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुई है? तो चावल की भूसी हमें प्राप्त होती है। और इसका संबंध वर्तमान में कहाँ से है? तो गुजरात के काठियावाड़ से है। ये इस प्रमुख सिंधु सभ्यता के स्थल थे। आज वर्तमान में देखा जाए सिंधु सभ्यता के लगभग 1500 स्थल का पता लग चुका है। कितने स्थल का पता लग चुका है? 1500 स्थल का पता लग चुका है, परंतु उसमें से हम केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दे सकते हैं। कितने स्थल को? 7 को ही हम नगर की संज्ञा दे सकते हैं। कौन कौन से 7 आते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और सुतका गेन डोर। ये क्या थे? सिंधु सभ्यता के 7 नगर हमें देखने को मिलते हैं, और देखा जाए इनको ही हम नगर की संज्ञा दे सकते हैं। अब सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध क्यों हुई? सिंधु सभ्यता देखा जाए उस समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी, और इस सिंधु सभ्यता का जो आकार था, वो फैलाव था, वो त्रिभुजा आकार था। कैसा था? त्रिभुजा आकार था। इस सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो इस सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यह सिंधु सभ्यता का क्या था? कुल क्षेत्रफल था। अर्थात सिंधु सभ्यता उस समय की मिश्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफ़ी गुना बड़ी देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता क्यों प्रसिद्ध हुई? सिंधु सभ्यता सर्वाधिक प्रसिद्ध इसलिए होती है क्योंकि उसकी नगर नियोजन प्रणाली और जल निकास प्रणाली काफ़ी उत्तम थी। नगर नियोजन प्रणाली का मतलब ये होता है कि सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर हमें प्राप्त हुए हैं, वहाँ पर जो मकान का निर्माण होता था वह एक जाल ग्रिड के भांति होता था। सभी मकान आपस में एक जाल ग्रिड के भांति एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। सभी मकान देखा जाए प्रायः 1 से 2 कमरे के हुआ करते थे, परंतु कुछ मकान हमें 2 मंजिलों के भी देखने को मिलते हैं। अब देखा जाए पहली से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल होता था। सीढ़ियाँ प्रायः पत्थर तथा लकड़ी की बनी हुई होती थी। प्रत्येक घर में हमें स्नानगृह तथा कुएं देखने को मिले हैं, परंतु कालीबंगन एक ऐसा स्थल है जहाँ के प्रत्येक घर में हमें कुआं दिखाई देता है। सिंधु सभ्यता में देखा जाए जितने भी हमें मकान प्राप्त हुए हैं, उसका मुख्य जो दरवाज़ा होता था, मुख्य दरवाज़ा, ये जैसे मकान है और इसका मुख्य दरवाज़ा सड़क की ओर ना खुलकर प्रायः देखा जाए बगल वाली गली में खुलता था, ताकि सड़क का धूल और कचरा सीधे मकान में प्रवेश न कर सके। परंतु अपवाद स्वरूप देखा जाए सिंधु सभ्यता में लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर मकान का दरवाज़ा बगल गली में ना खुलकर सड़क की ओर खुलता था। बाकी सब में मकान के दरवाज़ा मुख्य गेट किधर खुलता था? बगल की गली में, परंतु लोथल में कहाँ खुलता था? सड़क की ओर खुलता था। प्रायः देखा जाए यहाँ की जल निकास प्रणाली भी काफ़ी उत्तम थी। अब देखा जाए जल निकास प्रणाली में क्या होता था, प्रायः घर के बीच में एक देखा जाए बगीचा टाइप, या देखा जाए जिसको अपन बरांदा कह सकते हैं, बरांदा होता था, और वहाँ से छोटी सी नालियों के माध्यम से मकान का पानी गली की नाली में आता था। गली की नाली से वह देखा जाए सड़क की नाली पर आता था। सड़क की नाली से वह बड़े नाले में जुड़ जाता था, और यहाँ पर प्रायः मेन होल होते थे। मेन होल जैसे आज की तारीख में हमें चैम्बर दिखाई देते हैं, जहाँ पर देखा जाए सफाई कर्मचारी उसमें उतरकर उसकी सफाई करता था, और बाद में यह मुख्य नाला नदियों से जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार की हमें जल निकास प्रणाली भी हमें कहाँ देखने को मिली है? सिंधु सभ्यता में हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति का। क्या बात करते हैं? सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति। अब सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति में सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक संगठन का। सिंधु सभ्यता में उस टाइम पर किसी भी प्रकार की देखा जाति प्रथा और वर्ण का हमें अभाव देखने को मिलता है, परंतु व्यापार के आधार पर सिंधु सभ्यता के हम देखा जाए समाज को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग आता था विद्वान।
विद्वान प्रायः पुरोहित ब्राह्मण आदि को कहा जाता था। दूसरा वर्ग आता था प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन के कार्य में लगे होते थे या फिर देखा जाए रक्षा का कार्य करते थे, वो सब दूसरे वर्ग में आते थे। तीसरे आते थे व्यापारी। व्यापारी अर्थात जो देखा जाए आपका उद्योग धंधे में लगे होते थे। चौथे आते थे श्रमजीवी अर्थात जो मजदूर का कार्य करते थे। तो सिंधु सभ्यता का जो समाज है हम चार भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? व्यापार के आधार पर। अब दूसरी बात आती है सिंधु सभ्यता का भोजन। सिंधु सभ्यता का भोजन मुख्य रूप से गेहूं, चावल तथा जो आदि होता था। इसके अलावा देखा जाए बकरी, भेड़, मुर्गे आदि का मांस भी खाया जाता था। अर्थात सिंधु सभ्यता के जो लोग होते थे वो शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी भी होते थे। परंतु सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार अगर कोई था तो वो क्या था? गेहूं था। क्या था? गेहूं था। अब अगला आता है वेशभूषा। सिंधु सभ्यता की लिपि तो हमें प्राप्त हुई है परंतु वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अब सिंधु सभ्यता की वेशभूषा के लिए हमें तत्कालीन जितनी भी मोहरें या देखा जाए जितने भी हमें वहाँ की खुदाई के दौरान जो चीज़ प्राप्त हुई है उस पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। संबंधित मूर्ति पर भी निर्भर रहना पड़ता है। मूर्ति के आधार पर ही सिंधु सभ्यता की वेशभूषा की हम कल्पना कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः दो प्रकार के कपड़े पहनते थे। पहला कपड़ा जो होता था वो बाएं कंधे के ऊपर से होकर दाएं कंधे के नीचे निकलता था ताकि दाहिना हाथ कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहे। और दूसरा कपड़ा जो होता था वो आधुनिक धोती के समान होता था। स्त्री और पुरुष दोनों के देखा जाए पहनावे में मुख्य अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा वहाँ पर देखा जाए प्रसाधन की सामग्री का भी प्रयोग किया जाता था। अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। प्रसाधन अर्थात सौंदर्य सामग्री भी धारण करते थे। आमोद प्रमोदन का मतलब होता है मनोरंजन। सिंधु सभ्यता के लोगों का मनोरंजन मुख्यतः गाना बजाना, खेलना कूदना तथा मुर्गों की लड़ाई करना होता था। इसके अलावा जुआ खेलना भी उनका प्रमुख एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था। गृहस्थ उपकरण में बात करें सिंधु सभ्यता में उस टाइम पर हमें मिट्टी के उपकरण भी प्राप्त होते हैं, साथ में हाथी दांत के उपकरण भी प्राप्त होते हैं, साथ ही हमें देखा जाए आग से पकी हुई मिट्टी टेराकोटा के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। यह सब किस में आती थी? सामाजिक व्यवस्था में। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोगों को औषधियों का ज्ञान भी होता था। वे प्रायः नीम, अश्वगंधा आदि का प्रयोग औषधि के रूप में करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान भी था। कालीबंगा और लोथल ये ऐसे स्थल है जहाँ से हमें सिंधु सभ्यता में शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में। सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति में सबसे पहले जब कहीं भी आर्थिक स्थिति की बात आती है तो उसमें प्रमुख बिंदु आता है कृषि का। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करना था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चावल आदि की खेती भी करते थे। इसके अलावा वो पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि का वो पालन भी करते थे। परंतु उनका प्रिय अगर कोई पशु था तो वो कुब्बड़ वाला सांड होता था, जिसे आज हम इसकी अगर तुलना की जाए तो हम नांदिया महाराज से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कपड़ा बुनना। विश्व के पहले लोग सिंधु सभ्यता के निवासी थे जिन्होंने कपास की खेती की थी और यह प्रायः दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। सूती कपड़े भी पहनते थे और ऊनी कपड़े भी पहनते थे। इसके अलावा यह कपड़े सिलकर भी पहनते थे क्योंकि वस्त्र निर्माण कला का आविष्कार किस युग में हो चुका था? नवपाषाण युग में। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे क्योंकि सिंधु सभ्यता जो मुख्य थी वो कौन सी प्रधान थी? तो वो वाणिज्य प्रधान थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता की जो मुख्य व्यवस्था थी वो क्या थी? वाणिज्य प्रधान थी। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। व्यापार में वो देखा जाए आयात भी करते थे और निर्यात भी करते थे। निर्यात किन वस्तु का किया जाता था इसका पता अभी तक लगाया नहीं गया है, परंतु आयात कौन कौन सी चीज़ें होती थी? सोना, तांबा, कीमती पत्थर आदि वस्तु आयात की जाती थी। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था के बारे में। सिंधु सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था में सबसे पहले हम बात करते हैं
मात्र देवी की उपासना, क्योंकि सिंधु सभ्यता में उत्खनन के दौरान हमें सर्वाधिक नारी की प्रतिमा मिली है और एक नारी की प्रतिमा ऐसी मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा उगते हुए दिखाया गया है जिसे मात्र देवी कहा गया है और सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना होती थी। इसी कारण कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मात्र प्रधान था। माता को यहाँ पर अंबा, काली, कराली आदि रूपों में पूजा भी जाता था। दूसरा हमें सिंधु सभ्यता की धार्मिक स्थिति में देखने को मिलता है शिव पूजा का। सिंधु सभ्यता में उत्खनन के दौरान हमें सर्वाधिक लिंग प्राप्त हुए हैं, साथ ही एक मोहर प्राप्त हुई है जो सेल खड़ी। सेल खड़ी का मतलब होता है मुलायम पत्थर की मोहरे। सेल खड़ी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसमें एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में पद्मासन लगाए बैठा है। उसके सिर पर दो सींग है, उसके बाईं ओर देखा जाए भेसा और गेंडा है, दाईं ओर हाथी और व्याघ या चीता। ये चार पशुओं की आकृति है। कौन कौन सी? हाथी, भेसा, गेंडा और बाघ, तथा उसके पांव के नीचे दो हिरण दिखाई देते हैं। उसे प्रायः पशुपति कहा गया है। यहाँ पर शिव की उपासना पशुपति के रूप में भी की जाती थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में हमें योनि पूजा के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पशु की पूजा भी की जाती थी। यहाँ पर गाय देखा जाए, कुब्बड़ वाले सांड को देखा जाए पवित्र पशु माना जाता था और लोग उसकी आराधना भी करते थे। यहाँ पर हमें सूर्य पूजा का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। सूर्य की पूजा का साक्ष्य कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर महिलाएं स्वास्तिक भी बनाती थी और स्वास्तिक कैसे बनाती थी? तो चावल के द्वारा। साथ ही पहिए भी हमें मोहरे प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना भी करते थे। सूर्य की उपासना कैसे की जाती थी? क्योंकि स्वास्तिक और पहिए को सूर्य का आधार माना जाता था। सिंधु सभ्यता में हमें स्वास्तिक भी दिखाई देते हैं जिसके द्वारा सिंधु सभ्यता के लोग सूर्य की आराधना भी करते हैं और स्वास्तिक महिलाएं बनाती थी और महिलाओं के द्वारा ही यहाँ पर हमें देखा जाए तो सूर्य की उपासना का हमें देखा जाए वर्णन देखने को मिलता है। और स्वास्तिक किसके आधार पर बनाए जाते थे? चावल से बनाए जाते थे। स्वास्तिक की जो आकृति है वो सर्वाधिक किससे बनाई जाती थी? चावल से हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें वृक्ष पूजा भी देखने को मिलती है। पीपल, नीम, शीशम आदि की पूजा भी की जाती थी। इसी प्रकार हमें नदी पूजा का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। कहाँ से? सिंधु सभ्यता से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि सिंधु सभ्यता में एक स्नानक ग्रह प्राप्त हुआ है जिसका प्रयोग धार्मिक पर्व के टाइम पर स्नान के रूप में प्रयोग होता था। इसके अलावा धार्मिक स्थिति में और बात करते हैं तो लोग वहां पर गाना बजाना आदि के द्वारा देवी देवताओं की उपासना करते थे। इसके अलावा दाह संस्कार की परिपाटी भी सिंधु सभ्यता में तीन प्रकार से होती थी। आंशिक सवाधान। आंशिक सवाधान में यह होता था कि व्यक्ति अगर कोई मरता था तो उसे सबसे पहले देखा जाए जंगल में छोड़ दिया जाता था ताकि पशु पक्षी उसका आहार कर ले और बाद में जो कुछ भी बचता था उसे मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता था। यह प्रक्रिया क्या कहलाती थी? आंशिक सवाधान। पूर्ण सवाधान ये होता था व्यक्ति जैसे ही मरता था उसे पूर्ण रूप से मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। ये होता था पूर्ण सवाधान। अगला आता है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जब मरता था तो उसे पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता था, अर्थात उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था, जो आज की तारीख में हिंदू समाज में हमें देखने को मिलता है। फिर बाद में जो भी राख बचती थी उसे एक कलश में रखकर घर की उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ दिया जाता था। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में हम कला की बात करते हैं। कला या नगर योजन प्रणाली। सिंधु सभ्यता में कला काफ़ी महत्वपूर्ण विकास देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण कला थी नगर योजन प्रणाली, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि सिंधु सभ्यता के सभी मकान एक दूसरे से देखा जाए जाल ग्रिड के भांति हुए जुड़े हुए थे। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो प्रायः कच्ची ईंटों की बनी होती थी, परंतु साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। इसी कला के अंतर्गत
अंतर्गत आता है हमें मूर्ति कला। मूर्ति कला में देखा जाए आग से पकी हुई मूर्ति अर्थात आग से बनी हुई मूर्ति जिसको अपन फिगरीन कहते हैं और आग से पकी हुई मिट्टी जिसे अपन टेरा कोटा कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर हमें कई पैमाने भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में पैमाने के रूप में एक स्केल का प्रयोग किया जाता था और अभी हाल ही में एक स्केल खुदाई से प्राप्त हुई है जिसकी देखा जाए लंबाई 13.2 इंच हमें देखने को मिलती है। यह सिंधु सभ्यता की एक स्केल प्राप्त हुई है। इसके अलावा माप के रूप में 16 तथा उसके आवृत्त का प्रयोग किया जाता था। 16 तथा उसके आवृत्त 16, 32, 64 इस प्रकार के आवृत्त का प्रयोग कहाँ पर किया जाता था? सिंधु सभ्यता में कहा जाता था। अब सिंधु सभ्यता की हम राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य हमें 1853 में प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ है? 1853 में। परंतु इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि में हमें 64 तो चिन्ह प्राप्त हुए हैं और 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं। परंतु सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी अर्थात भाव से प्रकट होती थी। परंतु इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब यह लिपि किस आधार पर थी? ब्राह्मी लिपि थी या खरोष्ठी लिपि थी या संस्कृत लिपि थी? परंतु अभी देखा जाए साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी अर्थात खरोष्ठी लिपि में थी। परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो लिपि पढ़े नहीं जाने के कारण यहाँ पर केवल इतिहासकार अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में इतने बड़े नगर और वहाँ की साफ सफाई और व्यवस्था को ध्यान में रखकर वहाँ पर नगर पालिका या नगर निगम जैसी प्रथा हमें देखने को मिलती है अर्थात वहाँ पर हमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी देखने को मिलती थी। सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः शांति स्वरूप प्रवृत्ति के थे और प्रायः उनके आसपास के राज्यों से अच्छे संबंध थे और वह देखा जाए युद्ध में इतना विश्वास नहीं रखते थे। इसी कारण सिंधु सभ्यता के लोगों में हमें अस्त्र शस्त्र का अभाव भी देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता का देखा जाए विदेशों से संबंध, सिंधु सभ्यता का विदेशों से संबंध भी था। वह संबंध किस प्रकार पर था? वाणिज्य प्रधान अर्थात व्यापार के द्वारा। व्यापार दो मार्गों से होता था, थल मार्ग अर्थात सड़क मार्ग से, जल मार्ग अर्थात नदी या समुद्र मार्ग से। अब देखा जाए आयात और निर्यात दोनों वस्तु होती थी, आयात भी होती थी और निर्यात भी होती थी। निर्यात कौन कौन सी वस्तु होती थी उसका पता नहीं लगाया जा सका है। आयात कौन कौन सी होती थी तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, तांबा, सोना, हाथी दांत, कीमती पत्थर आदि आयात किए जाते थे। कहां कहां से होते थे? अफगानिस्तान, मेलुहा प्रदेश जिसे अपन सिंधु प्रदेश भी कहते हैं, दिलमन जिसे अपन आज की तारीख में बहरीन कहते हैं, फिर उसके बाद मकरान जिसे आज की तारीख में अपन मकरान तट भी कहते हैं, यहाँ से इनका व्यापार होता था। अब सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए इतिहासकारों में काफ़ी वाद विवाद है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश है वो जल प्लावन की वजह से हुआ अर्थात सिंधु और रावी नदी की जो दिशा है वो बदल गई जिसके कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भूकंप के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, कि एक भयानक भूकंप आया जिसके कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि संक्रामक रोग के फैल जाने के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, चेचक, मलेरिया आदि जैसी बीमारियाँ उस टाइम पर फैल गई थी जिसके कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। कोई ये कहते हैं कि बाह्य आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, क्योंकि जब कोई भी सभ्यता अपनी बुलंदी पर पहुंचती है तो जब वहाँ की दैनिक उपयोगी की वस्तु सरलता से सुलभ होने लग जाए तो व्यक्ति आलसी हो जाते हैं। आलसी हो जाने के कारण वह देखा जाए हमारे इतनी व्यवस्था अर्थात देखा जाए हमारी आसपास की रक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं। इसी का फायदा उठाकर भारी लोगों ने सिंधु सभ्यता पर आक्रमण करा और उस सभ्यता का विनाश हो गया। इन अभी सभी कारणों को मिलाकर कोई भी एक कारण सिंधु सभ्यता का विनाश का दोषी नहीं हो सकता। किसी न किसी कारण से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था। अब सिंधु सभ्यता के देखा जाए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं या देखा जाए पिछली एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं और भविष्य में बनने की संभावना उस पर हम चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे पहले पता
किसने लगाया? तो 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति ने। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के टीले का उल्लेख सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो वह देखा जाए जॉन बटन और विलियम बटन नाम के भाइयों ने। हड़प्पा की खोज या उत्खनन किसने किया? तो दयाराम साहिनी ने। कब की? तो 1921 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ? तो 1922 में। किसने करा? राखलदास बेनर्जी ने। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये सिंधु सभ्यता का क्या है? कुल क्षेत्रफल। सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजा आकार है। सिंधु सभ्यता के कितने स्थल का पता लगाया जा चुका है? तो 1500 स्थल का पता लगाया जा चुका है। इस 1500 स्थल में से कितने को हम नगर की संज्ञा दे सकते हैं? 7 को हम नगर की संज्ञा दे सकते हैं। कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, चहुदड़ो, बनावली और सुतका के इंडोर। इन 7 को हम नगर की संज्ञा दे सकते हैं। अब देखा जाए सिंधु सभ्यता के निवासी थे वे कपास उगाने वाले विश्व के पहले लोग माने जाते हैं। हमें देखा जाए चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है, है ना। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हमें चावल की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह रंगपुर से प्राप्त हुई है। हमें कांसे की नृत्य की या नटराज की मूर्ति कहाँ से देखने को मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। हमें आयताकार वेदी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। हमें कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो चहुदड़ों से प्राप्त होता है। तो यह सब हमें देखा जाए आगे चलकर ये एग्जाम का पोर्शन बनते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जिसका टॉपिक रहेगा ऋग्वेद काल। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। भारत माता की जय।